मोदी जी नु का था, मैंने इसे काम कर दिया, इसे किसी ने भी नहीं करे। इतने मानस मोदी जी ने मराए है, किसी ने नहीं मराए। आज तक इतने प्रधानमंत्री आए हैं जो यू काम एक नंबर का करे मोदी ने, एक नंबर का बेरोजगारी काम करे मोदी ने, एक नंबर का जनता पाड़न का काम करे है। तू न्यू क्यों नहीं कंदी, सबसे बड़ा चोर मोदी है। तू भी मार गेल बोलिया कर, न्यू यह बात है सही कहा कर दे। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर से और यू चोरी दो बिन्ने और कर लेगा देश में, जोड़ा ऐसा लपेट देंगे इसका चौकीदार का, दोबारा चौकीदारी नहीं मिलेगी। हमारे पास तो ये शिवर शिवर का पानी नहीं, हमारे ऊपर गोलियां भी चला रही हैं, आंसू गोले भी मार रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे पास है जो सीमा पे चाइना पे गोले यूज होने चाहिए, वो आज इस किसान के ऊपर गोलियां गोली यूज करे जा रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला था गुजरात के अंदर बैठ के अगर एमएसपी पे कानून होना चाहिए। जो करनी का है ना, चार सौ पार सीना में युग हल्का धर रहा है, वह मशीन गामा में नहीं धरन देंगे हमें, उनका लठ मार मार कर तोड़ेंगे उन मशीना ने, अरना इलेक्शन उड़ देंगे। बैलेट पेपर पर इलेक्शन होगा, एक सीट जिता के खंदा दिए तू मोदी ने, और फिर तन्ना का मैं नहीं पूछूंगा बेटी कड़गा अतरा मोदी। नमस्कार, मैं नूरजहां। और जिस तरीके से किसान जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं, उसके बाद आप यहां पे मेरे पीछे हुजूम देख पा रहे हो, किस तरीके से किसान लाखों की तादाद में यहां पे मौजूद है। उसके बाद अगर हम बात करें किसानों की, किसान जो है फिर से वही मांगों को लेकर दिल्ली पहुंच चुके हैं, और उसके बाद हम किसानों से ही बातचीत करते हैं। सर, कहाँ से हैं आप? देखिए, हम स्टेट हरियाणा जिला रोहतक से, और सबसे पहले तो हम आपके चैनल को, आपके दर्शकों को, इस तमाम किसान परिवार की तरफ से क्रांतिकारी मुबारकबाद देना चाहते हैं कि आप इस जनता की आवाज़ को उठाने के लिए, इस दिल्ली के शासन को पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्रांतिकारी मुबारकबाद। जहाँ तक आज के इस कष्ट की जो बात है, लगातार किसान ने, चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकारें हों, उनसे बार बार चेताने का काम सरकारों को किया है कि किसान के साथ जो आप घोर अन्याय कर रहे हैं, इसको बंद करें। नौजवानों का जो शोषण करने का काम कर रहे हैं, उनको बंद करें। अग्निवीर जैसी योजनाओं को फौरी तौर के ऊपर बंद करें, और नौजवान पढ़े लिखे लड़के लड़कियों को उनका अपना जो हक और राइट बनता है वो देने का काम केंद्र की सरकार करे। अगर ये काम नहीं करते तो निश्चित तौर पर किसान का, जवान का, मजदूर का, महिला का, तमाम हालात आज देश का नौजवान तबका जो पढ़ा लिखा है वो देख रहा है, किसान देख रहा है, इसका खामियाजा निश्चित तौर पे सरकार को भुगतना पड़ेगा। आते हैं आपके पास भी, हमारे साथ यहाँ पे एक शख्स मौजूद है, तिरंगा लेके खड़े हैं हाथ में, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे आप लोगों के आने से पहले यहाँ पे सीवर का पानी छोड़ दिया गया है? देखो, सीवर का पानी छोड़ दिया, हमारे पास तो ये सीवर सीवर का पानी नहीं, हमारे ऊपर गोलियां भी चला रही है, आंसू गोले भी मार रही है। हम आतंकवादी नहीं है, हम इस देश के नागरिक हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे पास है जो सीमा पे चाइना पे गोले यूज होने चाहिए, वो आज इस किसान के ऊपर गोलियां गोली यूज करे जा रहे हैं, लेकिन वो देश का किसान देख रहा है। ये अंधाता है, ये अंधाता पेट भर रहा है। आप लोगों की वजह, आप भी तो सामने से पत्थरबाजी कर रहे हैं। नहीं, पत्थरबाजी हम नहीं कर रहे, ये पत्थरबाजी घुसाए हुए हैं आरएसएस के। हम एक बात बताओ, हमारे अंदर घुस के और पत्थरबाजी करके फोर्स में घुस जा रहे हैं। हमारा देश का जवान नहीं मार रहा गोली, ये कोई बीजेपी की साजिश है बहुत बड़ी कि कम से कम हजारों आदमी मार दें, लेकिन ये देश का किसान मरेगा नहीं। सरकार क्या जवान और किसान को लड़ाने का काम कर रही है? हाँ, सरकार किसान को और जवान को लड़ाने का काम कर रही है। ये चाइना पर बॉर्डर बोने से हमारे जवान देखो कैसे घूम रहे हैं, नौजवान। ये चाइना पर जमीन दबा रखी प्रधानमंत्री, वो जमीन को निकालो ना, हमारे जवानों को ले जागे। ये नहीं है कि किसानों पर गोलियां चलाएं, किसानों पर गोले चलाएं। और अगर बात करी जाए अन्नदाता की, किसानों को अन्नदाता कहा जाता है कि वही अन्न हर जगह पहुंचाता है, और उसके बाद अगर मोदी जी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि मोदी जी अगर राशन दे रहे हैं तो वो अन्नदाता है। नहीं, मोदी जी राशन दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं? इस देश का दे रहे हैं, इस देश
देश का किसान है, इसके देश का किसान उगा के वहाँ दे रहा है, जब हमारा देश में हमारा ही राशन हमारे को बांट रहे हैं, इसे तगड़ी पॉलिटिक्स देश के अंदर कहाँ होगी? ये अपने वोट बैंक के लिए बांट रहे हैं, 350 करोड़ का ऑयल मंगाया इन लोगों ने और हमारा देश को खिला रहे हैं कोटो में। देश को पता नहीं वो सरसों का तेल नहीं है, वो देश के लिए जहर है बिल्कुल। लेकिन नूनी बता रहा प्रधानमंत्री जी वो तेल किस चीज का है। आज देख लो दूसरे देश से तेल मंगा गए, सरसों 9,000 रुपये क्विंटल बिकनी थी, लेकिन इसने तेल मंगा के दूसरे देश से ऑयल, हमारी सरसों का रेट 5,000 रुपये कर दिया। उनका कहना है कि चुनाव आते ही आप लोग सड़कों पे आ जाते हैं अपनी मांगों को लेकर, सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव की वजह से पहले ही दबाव होता है उनके ऊपर। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला था गुजरात के अंदर बैठ के MSP का कानून होना चाहिए? प्रधानमंत्री ने बोला था ना उस टाइम पर CM था, आज हाँ मुख्यमंत्री था, आज तो ये देश का प्रधानमंत्री है, तो इसने तो सोचना चाहिए। आप ही लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है वोट देके। हमने नहीं बनाया, ये EBM ने बनाया है, चोरों ने बनाया है, चोरी से बना, ठीक है, EBM ने बनाया चोरी ने, लेकिन EBM तानाशाही देश के ऊपर दिखाना चाहता है। ये देश समझ चुका है 10 साल के अंदर में, कभी बोलता है 15 लाख खाते में डालूंगा, कभी बोलता है मजदूर का नू कर दूंगा, कभी बोलता है आयुष्मान कार्ड बना दूंगा। आयुष्मान कार्ड का मतलब क्या है? इंसान को चीर के घेर देते हैं ऑपरेशन का, ये नहीं अगर उसको इलाज का दे दिया आयुष्मान कार्ड, किसान को कहीं चोट लग जाए उसका दे दिया, सिर्फ चीरने का देते हैं। जो वो अपनी योजनाओं की बात करते हैं, किसानों की योजनाओं की बात करते हैं, किसानों के लिए योजनाएं लाए थे, उसमें आप क्या गए? क्या कोई योजना, क्या योजना, सुनो क्या योजना दे दी? एक मिनट भाई, आप कौन सी योजना है आप पूछिए, कौन सी योजना दी है उन्होंने किसान को? साहू बांध परियोजना पूरी करी हो, ये क्या नाम है MSP की जो गारंटी ली थी लिखित में दिया था जिस टाइम आंदोलन था हाँ भर के, वो पूरी किया हो, बिजली बिल 2022 रद्द किया हो, किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे वापस लिया हो, कौन सी योजना की बात कर रहे हो? क्या योजना है? 10 साल में हमने वो कर दिखा है जो कोई सरकार नहीं करके दिखा सकती। कौन कह रहा है? वो खुद कह रहे हैं। अपनी बात कुछ भी कहूँ उससे कोई फायदा है? मीडिया उसकी मुट्ठी के अंदर है। तो क्या सरकार गलत कह रही है? हाँ बिल्कुल, हर चीज गलत कह रही है। कर्मचारी की पेंशन खत्म कर दी अपनी MP और MLA पेंशन क्यों ले रहे हैं? MP और MLA पेंशन क्यों ले रहे हैं? कर्मचारी की क्यों खत्म कर दी? कोई जवाब है सरकार के पास? कर्मचारियों ने 44 कानून अपनी खून की कुर्बानी देके अर्जित किए थे, वे 44 कानून खत्म कर दिया, 4 लेबर कोड बना दिए, वो भी कंपनियों के मालिकों के हक में, 8 घंटे के बजाय 12 घंटे ड्यूटी कर दी, सरकारी महकमे जो लोगों ने अपने खून से सींचे थे उनको प्राइवेट हाथों में बेच दिया। कौन सी है इसकी मोदी जी? क्या मंदिर खाने को देगा, धर्म खाने को देगा, काम खाने को देगा? काम छोड़ा नहीं इसने, खाली काम के बदले में लोगों को गुमराह किया जा रहा है, नशे की तरफ धकेला जा रहा है, अश्लीलता की तरफ धकेला जा रहा है। तो ये सरकार कर रही है? हाँ सरकार कर रही है। शिक्षा के ऊपर किसका कंट्रोल है? स्वास्थ्य के ऊपर किसका कंट्रोल है? सरकारी हॉस्पिटलों में जाइए, खांसी के लिए एक सिरप नहीं मिलेगा, मंदिर के ऊपर अरबों-खरबों रुपए खर्च हो रहा है। क्या मंदिर भी खुश नजर आ रही है उससे? तो क्या मंदिर जरूरी है या रोटी जरूरी है? आप दोबारा दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। राम तो किसान है, राम हमारे किसान के पास है, जब और बातें देने और बातें दे तो क्या कहते हैं दोनों बड़ों को देशी भाषा में, ले राम का ना, ठीक है? किसान अपने खेत में भी पैर रखता है ना तो कहता है राम राम, लेकिन राम राम भाग के कहाँ जा रहा था? राम हमारे देश में था, अंदाता हमारा राम वहाँ मंदिर के अंदर में। जनता इतना विश्वास दिखा रही है सरकार पे, कह रही है जो राम को लाया हम उसको लाएंगे। वो पता क्या है, BJP के जोड़े हुए हैं, RSS का एक बहुत बड़ा ग्रुप, आपने बता दूं, भगत सिंह ने देश आजाद करवाने के लिए सेना बनाई थी, तो ये तानाशाही करने के लिए सेना बना रहे हैं, तो वह सेना क्या करती है, घूम जाती है हजारों आदमियों में, श्री राम को ले आएंगे, कभी मोदी बोलता 400 पार आएंगे। ये सिर्फ जो दिमाग है ना, दिमाग एक एक कंप्यूटर है, इसको सिर्फ घुमाने का काम करते हैं वो लोग कि मोदी 400 पार। अब ये क्या बोल रहे हैं 400 पार? मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जनता पे विश्वास है तभी कह रहे हैं 400। नहीं नहीं, जनता पे विश्वास कहाँ है? मोदी की मीडिया कर रही है, EBM तैयार कर रहे हैं, अभी चुनाव वाला बैठाया था वो भाग गया, उसको पता था कि मैं देश के लिए गद्दारी करूंगा, मैं अपनी नौकरी छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन देश के लिए गद्दारी नहीं करूंगा। मैं उस भाई का समर्थन करता हूं, चुनाव आयोग का, वो अपनी कुर्सी छोड़ गया, अपने बच्चों की रोटी मार गए। सरकार का प्रेशर था? किसके ऊपर? सरकार के ऊपर पूरा प्रेशर था, अगर तेरे बच्चों को मरवा देंगे अगर हम कहेंगे तो ऐसे चल, ये अपना आदमी लेके बैठाएंगे चुनाव। तो EBN का 100% घोटाला है, प्रधानमंत्री EBN कहाँ रख रहा है? इस देश को कुछ ही दिन में EBN के बारे में पता चलने वाला है कहाँ।
क्या कह रही थी आप? मैं न्यू कह रही थी तो न्यू कहा ना, मोदी जी न्यू का था, मैंने इसे काम कर दिया, इसे किसी ने भी नहीं करे, यह बात तेरी सच्चाई है। इतने मानस मोदी जी ने मराए है, किसी ने नहीं मराए, आज तक इतने प्रधानमंत्री आए हैं जो यू काम एक नंबर का करे है मोदी ने, एक नंबर का बेरोजगारी काम करे है मोदी ने, एक नंबर का जनता पाड़न का काम करे है। कह रहे जनसंख्या बहुत है, कहाँ से देंगे नौकरी? तो मेरी बात सुने, एक नंबर के काम करे ही थी सारा देश, मतलब एक नंबर के सारा देश बेच दिया, सारा मतलब सरकारी चीज बेच दी, और फिर भी इसे क्या गीत गावा तू भी, तू न्यू क्यों निकंदी, सब तो बड़ा चोर मोदी है, तू भी मार गेल बोलिया करनी हुई यह बात है, एक चोर की बात बता। हाँ। सही कहा कर दे, चौकीदार चोर है, जब चौकीदार चोर हो गया ना तो फिर साकड़त रह गए, चौकीदार चोर से, और ये चोरी दो महीने और कर लेगा देश में, झोला ऐसा लपेट देंगे इसका चौकीदार का, दोबारा चौकीदारी नहीं, तीसरी बार आ गए दोबारा मोदी, तो फिर क्या होगा देश का? मेरी बात सुने, जो करनी का है ना, चरसा पार, चरसा मशीना में युगा हल्का धर रहा है, वह मशीन गामा में नहीं धरन देंगे हमें, उनका लठ मार मार कर तोड़ेंगे उन मशीना ने, अरना इलेक्शन होने देंगे, बैलेट पेपर पर इलेक्शन होगा, एक सीट जिता के खंदा दिए तू मोदी ने, और फिर तन्ना का मैं नहीं पूछूंगी बेटी कड़गा तेरा मोदी, तन्ने पूछूंगी आका ये बात खट्टर, और सुने खट्टर तो छोड़ गया पहले कुर्सी, और गल्ला छोड़ गया दूसरे ते, ये भी नन्यू बेरा पट गया, जन जन में चूल्हा थी, मतलब हर एक उसका ऊपर बात पूछावांगे, या भाई ई बी एम गांव में नहीं धरने दे रहा हमने, इलेक्शन नहीं होने देंगे ई बी एम के ऊपर, और इसे मैं यू जीत रहा है, बाकी जनता इसने कोई वोट नहीं देनी चाहिए, यू कितना कि मैं करे जाऊ, कोई वोट नहीं है इसके। अभी देश में प्रधानमंत्री के पास समय है इस देश के लिए, आपका चैनल से कहना चाहता हूँ मैं, आचार संहिता लगने से पहले इस अंधता के बारे में सोच लो, एमएसपी कानून दे दो और इस जवान को बॉर्डर पे भेज दो तो देश बच जाएगा, ना प्रधानमंत्री जी कहीं अडानी के लिए तेरे को दूसरा देश ना जाना पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे हमने लोगों से बात करी, किसानों से बात करी, और जो महिला कह रही है कि अगर एमएसपी भी हमें चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ ईवीएम को लेकर भी सवाल उठा रही है कि अगर ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव हो गए तो शायद कहीं ना कहीं मोदी को एक वोट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता तो उन्हें वोट नहीं दी, तो वोट उनके पास कहाँ से पहुंच जाता है, ईवीएम की धांधली हो सकती है। और उसके बाद अगर दोबारा हम आपको पीछे का जो नजारा दिखाए, किस तरीके से पूरा हुजूम है किसानों का, लाखों की तादाद में यहाँ पे किसान मौजूद है, रामलीला मैदान में अपनी जो है मांगों के साथ यहाँ पे आ चुके हैं, हमने किसानों से बात करी और जाना आपको तो पूरी वीडियो पे आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।